नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खबर सेंधवा से, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव अपने निजी अल्प प्रवास के दौरान सेंधवा पहुंचे। सेंधवा पहुंचने पर यादव का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठों ने फूल मालाओं से सत्कार किया एवं स्वागत भेंट की। कार्यकर्ताओं ने यादव से विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं पर बात की, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव हेतु रणनीति के विषय में चर्चा की गई। इस दौरान यादव मीडिया से भी रूबरू हुए। आइए जानते हैं यादव ने क्या कहा। तक भावांतर पर कोई बात नहीं की गई है, जब सरकार आई पहले विरोध किया जाता था, अब क्या भावांतर जारी रहेगी? ये इस शो पर ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी चर्चा रखे हैं और अधिक से अधिक लाभ काश्तकार को कैसे मिले, इस पर ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। सदस्यों की कुछ नया फॉर्मूला लेकर हम लोग उसमें समय से अंदर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ऊपर से ऑर्डर नंबर सरकार गिरा देंगे आगे जाने। देखिए, पूरी भाजपा की बौखलाहट हुई, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। कर्नाटक का आपने देखा होगा किस तरह से सरकारों को अस्थिर करने का जो एक नया कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और अमित शाह जी नेतृत्व में, पूरे देश भर में ये हो रहा है। मेघालय में जहाँ दो विधायक थे वहाँ पर सरकार बनाने का काम खरीद फरोख करते हैं। प्रदेश में भी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन प्रदेश के हमारे विधायक साथियों ने और तमाम साथियों ने पूरी दृढ़ता के साथ में काम किया और हमने भारतीय जनता पार्टी को उनके मिशन में सक्सेस नहीं दिया। कपास व्यापारी की मांग है टैक्स कम किया जाए, काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस बात चर्चा हुई है कुछ लोगों से और मैंने कहा है कि जितने व्यापारी हैं डेलीगेशन शीघ्र मिलेगा और इस पर चर्चा करेंगे। आप किसान भी हैं, किसानों का नुकसान होता है, इससे चर्चा करेंगे? आप अपने स्तर पर मेहनत करेंगे तो नहीं करेंगे?